ठीक है, अगर मुझे स्कल बनाना है, स्कल बनाने के लिए मुझे करना क्या है? सिंपल मैंने क्या किया, पॉलीक्यूब लिया, पॉलीक्यूब लेकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे। स्मूथ करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना, अगर हैंड पेंटेड है मेरे पास यहाँ पे, तो हैंड पेंटेड के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बेसिक शेप को समझेगा। बेसिक शेप को समझने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये शेप मैंने सेलेक्ट किया, इतना पार्ट सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और सिर्फ 10x2D ये पार्ट मैंने ऐसे करके, नॉर्मली ये पार्ट में ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा पॉलीगन पे नहीं जाना। बहुत बेसिक सा पार्ट आपको यहाँ पे रेडी करना है कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो ये मैं बस हैंड पेंटेड के लिए मुझे इस चीज़ को डील करना है। शेप्स में बस कैसे है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे शेप्स को मुझे ऐसे कैसे डील करना था, यहाँ पे मैंने बस ये पार्ट ऐसे किया, प्रोपोर्शन कैसा है, ये प्रोपोर्शन कैसा है, ये शेप कैसे जा रहा है, ये सब कुछ मुझे टेक्सचर में देना है। मुझे मोस्टली चीज़ों को यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करना, अगर मैं एक आधा चीज़ अगर मैं ऐड ऑन कर भी रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे दिखाने के बाद मुझे यहाँ पे, तो वहाँ सा पार्ट को मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे कवर अप करना है, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल देने की नीड नहीं है, ठीक है। ये टीथ वाला पार्ट, ये पार्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सब टेक्सचर में आपको कवर करना है। टेक्सचर में अगर आप ये चीज़ कवर करते हो तो आपका काम यहाँ पे आसान और हो जाता है, क्योंकि चीज़ों में कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये बेसिक सा पार्ट आप यहाँ पे करोगे। इसका अगर आपको मैं मैस दिखाऊँ, मैस को भी लेके चलते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो मैस दिखना है। मैस के अंदर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत चीज़ों को अगर ऐसा कुछ देना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो और चीज़ों को यहाँ से इतने पार्ट को यहाँ पे फेसिस ला करके लेटर बिट ये पार्ट सिंपल एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे। अभी एक्सट्रूड ऐसे नहीं करेंगे यहाँ पे, पहले एक बार जैसे हम सेव है ना, मैं सेव एंड एक्सट्रूड पे गए, एक्सट्रूड पे जाने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है जिसे हम बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। इतना ऑफसेट किया मैंने यहाँ पे लिटिल बिट, और थोड़ा सा अगर मुझे और चाहिए फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे सिंपल दबाट ये हल्का सा मैंने अंदर प्रेस कर दिया, या एक और एक्सट्रूड करके मैं हल्का सा अंदर प्रेस कर सकता था, ठीक है। आफ्टर स्किल इस टाइप से इतना ही मुझे काम करना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना है, कि मॉडलिंग के तो मुझे ऐसे कुछ काम करना है, सेलेक्ट करना है सिर्फ सॉफ्ट एजेस, फेसिस पे गए, इतना बार सेलेक्ट किया मैंने, अब डिलीट कर दिया हमें, और ये पार्ट में ऐसे ऐसे भी करके मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। एडिट यानी यहाँ पर सिंपल सा मैं मैच में मिरर कर दूँ तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक्स को ये काम आप कर सकते, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो क्या, इससे ज़्यादा आपको लाइक लो पॉइंट में ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, इतना आपका काम हो जाएगा। चीज़ों का टाइम करो, टेस्ट अगर आपका है तो टेस्ट को एज इट इज ही समझो, ठीक है। क्या है चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अटैम्प्ट अच्छा किया, नो डाउट अटैम्प्ट में आपने चीज़ों को अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, ये चीज़ें अच्छा है, ठीक है। लेकिन व्हाट आई वांट कि हम लोग थोड़ा सा रेफरेंस को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, ये जितने हैंड पेंटिंग टेक्स्चर हैं हमें बेसिक लो पॉली मॉडल से बना देना, बाकी ये जितने कट्स हैं कट्स को मॉडल नहीं करना, कट्स को हमें टेक्स्चर पर देना, ताकि हमारा काम थोड़ा सा और बेटर हो सके, ठीक है। ठीक है, दिस इज लुकिंग गुड, अच्छा दिखाया आपने। थोड़ा सा आपको क्या काम करना है, इसको थोड़ा सा लेवल और एनहेंस करना है, कि अगर चीज़ों को आप दिखा रहे हो तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, जो डेप्थ है शायद आपने बनाया है वो शायद विजुअल नहीं हो रहा। टेक्सचर में अगर आप देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ को मैच करने की कोशिश की है, एज ए जब टेस्ट के लिए जाते हो तो कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पे जानते हैं, जैसे आपने यहाँ पे डेप्थ दिया है यहाँ पे, ये डेप्थ आपको कलर से देना है, कलर में यहाँ पे थोड़ा सा लाइट से डार्क जा रहा है, हल्का सा लाइटिंग वाला पार्ट भी आपको इसमें देना पड़ेगा, क्या ठीक है। हल्का सा पार्ट अगर देखो यहाँ पे आपने अच्छा अटैम्प्ट अच्छा किया, ये भी आपने अटैम्प्ट अच्छा किया, काफ़ी चीज़ को मैच करने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा है लिटरली अगर मैं कहूँ, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें छूटी जैसे ये जो पार्ट है, ठीक है, बाकी ये पार्ट आपने अच्छा किया, अटैम्प्ट काफ़ी हद तक अच्छा है। थोड़ा सा टेक्स्चर में डिटेलिंग और चाहिए, अगर थोड़ा सा टेक्स्चर में डिटेलिंग और दोगे तो चांसेस आपका होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप कहीं पर जाते हो और किसी चीज़ को आप मैनेज करते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे काम करोगे तो और बेटर होगा। लाइक कहीं पे प्रेजेंटेशन जैसे कुछ दिख लिया, ठीक है, टेक्सचिंग नो डाउट मॉडल आपने किया है, टेक्सचर आपने किया, ये आपका सिलेक्शन का लेवल दे देगा। अगर ऐसे इंटरव्यू अगर मैं देखूं कि अगर आपको कहीं चाहिए कि भाई जो आपके लिए जाते हो और आपके कॉम्पिटिशन में किसी ने अच्छा काम नहीं किया, तो आपका सिलेक्शन नो डाउट हो जाएगा 60, 70, 80 तक आप पहुँच गए, ठीक है, 70 to 80 का रेस्ट हो। लेकिन ये ध्यान रखो कि अगर आप कल जॉब ले आते हो तो आपका 90 और 85 वाले भी होते हैं। अगर आपका काम अच्छा है और आपने प्रेजेंटेशन पे काम किया तो और बेटर हो सकता है, जैसे आपने क्लोजर में दिखाया चीज़ों को, ये चीज़ एक प्रेजेंटेशन के साथ दिखाओगे तो और बेटर लगेगा, क्या ठीक है। ये देखते हैं, चलो तो ये चीज़ आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये पार्ट दिख रहा है क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए। लाइट भी लगाया है मैंने यहाँ पे, लाइट के साथ मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है भाई, ये लाइटिंग का पार्ट भी दिया है, ठीक है। हैंड पेंटिंग टेक्सचर ही है पूरा ये चीज़, ठीक है, किस टाइप से आपको प्रेजेंटेशन करना, हल्का सा अगर प्रेजेंटेशन पर आप काम करोगे आपके चांसेस और शायद 5 to 10 मार्क्स और बढ़ जाए आपके यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ को देखो कि भाई वायस में कैसे रिप्रेजेंट किया, मॉडल के साथ टेक्सचर कैसे रिप्रेजेंट किया, तो अगर कल अगर आप इन सब चीज़ को अगर मैनेज करके देखो तो
आपका काम और बेटर होगा क्या? व्हाट आई वांट कि थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा फोकस करो जो आपने किया है, ठीक है, नो डाउट ये आपने अच्छा रिप्रेजेंट किया है, लेकिन देखो कहीं कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई डार्क में डार्क हो गया, लाइट अगर होता रिम लाइट होगी तो हमारे पास मॉडल को थोड़ा सा सेपरेट कर देगी हमें, ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज करो, बाकी नो डाउट अटैम्प्ट अच्छा किया और एक्सपेक्टेशन भी ये थी, ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में काम अच्छा हो जाए तो और बढ़िया हो सकता है, थोड़ा सा टेक्सचर का लेवल एक लेवल और से एनहेंस करो, ठीक है, ये आपका रेफरेंस है, ये आपने बनाया है, अटैम्प्ट अच्छा किया, नो डाउट आई अप्रिशिएट यू कि चलो आपने अटैम्प्ट अच्छा किया है, सेम चीज़ थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा मैनेज करने का, टेक्सचर को काफ़ी हद तक आपने मैच किया वो मैं चाह रहा था, छोटी छोटी चीज़ें मैं थोड़ा सा और पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि कल जॉब के लिए जाओगे तो आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा उससे बढ़ाना है, थोड़ा सा छूट गया पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आपके पास है, यहाँ पे काफ़ी हद तक आपने अटैम्प्ट अच्छा किया, नो डाउट अगर मैं कहूँ ये चीज़ आपके पास है, यहाँ पर हल्का सा डेप्थ यहाँ पर मिसिंग है, डेप्थ वाला लेवल एक आपको और बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ देखो ये रॉड है ना, रॉड पे कहीं भी ये लो नहीं दिख रहा, जैसे अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ ना, मैं माया पे लेके चलता हूँ, अगर मैं माया में अगर ऐसे कोई काम करता हूँ चीज़ों को समझना, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ सिंपल पॉलिश स्लेंडर लिया मैंने, यहाँ पे स्लेंडर के अंदर मैं यहाँ पे सेगमेंट्स लेता हूँ, देखो सेगमेंट्स कितने सेगमेंट्स मैंने यहाँ पे लिया, सेगमेंट्स तो मैंने कर दिया फोर, कर दिया मैंने यहाँ फोर में आपको ऐसा देखिए यहाँ पे, ठीक है, 4 to 6 लिया जा सकता है, यहाँ पर सेगमेंट्स यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, तो 4 से अगर मैं 8 भी कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने यहाँ पे किया, हाइट मैंने बढ़ा दी यहाँ पे, अभी ये हार्ड नहीं दिखना चाहिए, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए अगर आप मॉडल बना रहे हो, ठीक है, वेट के ऊपर को ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एजिस पे क्या सिर्फ राइट क्लिक सॉफ्ट एजिस, ये दिखना चाहिए आपके यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिखेगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे काम करोगे तो फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे जब स्टार्टिंग में काम करो तो इस पर काम करोगे आप, यहाँ पे इतने पर आपने काम किया, टेक्सचर सब कुछ हो गया, उसका डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट भी इस हिसाब से करना ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं है, तो ये आपका 4 में भी होता है, देखो यहाँ पे अगर जो मैंने आपको दिखाया ये पार्ट आपका यहाँ पे भी है, 4 में भी है और 8 में भी है, तो ऐसा करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। अटैम्प्ट टेक्सचर वाइज आपने चीज़ों को अच्छा डील किया है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ मिस हो जाती है उसको आपको ध्यान देना है, डेप्थ जो कि आपने यहाँ पे देने की वस्तु की है, लेकिन वो डेप्थ थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ चाहिए क्या, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ आप ये इसको थोड़ा सा स्टडी करो, ये आप लोगों को मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लाइटिंग डायरेक्शन किस टाइप से पार्ट है, किस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है, इन चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, जितनी प्रेजेंटेशन पे आपको जो जो चीज़ें छूट रही हैं उन चीज़ को आपको फोकस करना है, ठीक है, तो वो सब चीज़ आपको देखेगा, ये भी आपका एक सिंपल सा पार्ट है, इसको भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पर आइडिया मिलेगा मतलब सेगमेंट्स और चीज़ों को कैसे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी पहले वाला ऑब्जेक्ट आपका ज़्यादा बेटर है, ओके गाइस, ठीक है, अटेम्प्ट अच्छा है, काफ़ी चीज़ को लाइन को मैच करने की कोशिश की है, कोशिश करो इसे हैंड पेंटेड करने की, ये आपने शायद उसमें डिटेल में कर दिया है, दूसरे टेक्सचर में काम कर दिया, ठीक है, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे इसको तो जूम करके देखोगे तो यहाँ पे जूम करने में प्रॉपर शेड प्रॉपर पता चल गया, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम करो, ये जो क्वांटिटी का पीछे शायद थोड़ा सा रह गया, ठीक है, ये चीज़ आपने बनाने की कोशिश की है, टेक्सचर्स को प्रॉपर लो और ये सिंपल सिंपल माया एंड फोटोशॉप में ही ख़त्म करना है, कोशिश अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छा किया है, ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा सा और एग्जैक्ट मैच करना जरूरी है। रेफरेंस के अकॉर्डिंग हाई क्वालिटी लाइक स्कल्पिंग अच्छा किया गया, ये थोड़ा पार्ट अगर अच्छा होता और थोड़ा सा मैनेज हुआ, हल्का फुल्का कट पर काम करो, जो कट है ना ये कट मैनुअल बनाने की जगह है, अगर तुम उसे अल्फा बना के काम करोगे ना तो कट अच्छा दिखेगा, ये जो कट बना है ना कट्स का इम्पैक्ट अच्छा देगा, लेकिन अगर ये चीज़ अगर अल्फा से करोगे ना तो अच्छा है ना, अल्फा से करो या फिर कट को प्रॉपर देखो इधर से पतला इधर से मोटा है, हाई डिटेल में तो चीज़ों को अटैम्प्ट अच्छी कोशिश की यहाँ पे, ठीक है, कट्स हैं थोड़ा सा कट्स को प्रोमिनेंट करो, ठीक है, ये कट्स ऐसे भी होते हैं, जरूरी नहीं आप जाके जीवो से बनाओ, ये कट आप माया से बना के भी लेके जा सकते हो, ठीक है, अगर बेसिक बेसिक जो कट्स हैं जो हमसे डील नहीं होते, देखो वहाँ पे कट करने का ऑप्शन है, वहाँ पे कट हो जाता है, क्लिप टूल से कट हो जाता है, तो रॉयल एनफील्ड अगर लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ से भी कट करके लेके जा सकते हैं, जब भी माया में जाता है सबसे पहले कट ही टूल ट्राई करो, सही कट रहा है नहीं करता, तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि सही कट रहा है तो रॉयल एनफील्ड है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा हार्डनेस की जो है मेटलिक जो लुक है उसको थोड़ा सा जो है, बाकी चीज़ अटैम्प्ट अच्छा है, लेकिन हाई टू लो क्वालिटी और बेकिंग पे काम करना है, ऐसा हैंड पेंटेड है तो ठीक है, हैंड पेंटेड होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है।
अभी अगर मुझे रिटोपोलॉजी करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये मेरा आ गया लो, यहाँ पे मैं हाई में से हाई में इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉक कर दिया। सबसे पहले हाई को लॉक करके रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लो कॉली मैंने यहाँ पे ऑन किया और मुझे जो मॉडल है ना, इस मॉडल को सिलेक्ट करो, वर्टेक्स को पकड़ो, इस वर्टेक्स को इस हाई कॉली के अकॉर्डिंग मैनेज करना, सेफ पर्पज कैसे जा रहा है। जब तक आप इसको ऐसे प्रॉपर बनाओगे नहीं तब तक आपका इम्पैक्ट नहीं आएगा। इतना गैपिंग अगर आपने दे रखा है और आप एक्सपेक्ट करो कि आपका सब कुछ सही आ जाए तो गलत सोच रहे हैं। ये प्रॉपर यहाँ पे आपको यहाँ पे इसके साथ स्पेसिंग को मैनेज करना पड़ेगा। ये प्रॉपर स्पेसिंग आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे और जो टॉप व्यू टॉप व्यू जाओ नहीं देखो, जो पार्ट देखना है यहाँ पे, यहाँ से अगर देखना स्टार्ट करो, डिसलेक्ट करो अपने इतना, ठीक है। सपोज फॉर टाइमिंग मैं इसको पूरा कर रहा हूँ, ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे अभी ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे मैच होना चाहिए, उसके बाद बीच वाला पार्ट आपका यहाँ पे आएगा। दूसरा पार्ट आपने यहाँ पे जो काम करेगा, ये पार्ट मुझे ये देखो, ये सिर्फ कैसे ये एक पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, दूसरा पॉइंट आपका पीछे बदला होना चाहिए। तो ये आपको सेव्स के लिए यहाँ पे नीड है, देखो ये पार्ट आपको ऐसे करके, ये आपका ऊपर रहेगा, ठीक है, ये आपका अंदर तक रहेगा, तो जाके आपका काम होने वाला है। ये तो एक चीज़ आपके निकल गई, और जब तक ये सेव मैच नहीं होगा, हाई क्वालिटी पे लो क्वालिटी का ट्रेसिंग एग्जैक्ट होना चाहिए। माया में करता हूँ वर्लिंग मोटर, अगर टोको वन में करता हूँ तो शायद ये गलती नहीं आएगी, कभी जिंदगी में ये गलती नहीं आएगी। इसलिए आई सजेस्ट कि भाई टोको वन का थोड़ा ट्राई करो, टोको वन में आपका रिटोपोलॉजी बहुत बेटर होता है माया के कंपेरिजन में।